धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27-28 पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। मैंने समय कम है मैं जानती हूँ, लेकिन जल्दी बात कहूँगी कि मैंने यहाँ चर्चा सुनी और कोरोना के बारे में बात हुई थी। मैं मानती हूँ कि कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी मानव जाति के लिए त्रासदी थी, जिसने न सिर्फ मानव जीवन का नाश किया बल्कि मानवीय संवेदनाओं का भी नाश किया। और मैं मानती हूँ कि इस पर राजनीति ना करें तो बेहतर है। यहाँ हम जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जी की तारीफ की थी, तो निश्चित रूप से कोई अच्छा काम किया होगा। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि उस कोरोना समय के अंदर जो एमपी कोटा फ्रीज किया गया था, वो पूरा का पूरा कोरोना के इलाज के लिए, जनता के भलाई के लिए, जनता के इलाज के लिए लगाया गया था। मैं आपको बताना चाहूँगी कि बाड़मेर से जो हमारे सांसद थे, वो हर पीएचसी पे गए, हर सीएचसी पे गए और वहाँ उन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की वो उपलब्ध कराया। और जो कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे बाड़मेर विधानसभा की बात करूँगी, जो विधायक थे, उन्होंने उस वक्त 10 करोड़ का सीएसआर फंड से एक टेम्प्रेरी हॉस्पिटल बनाया, जो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। अगर किसी को दवाई मिलती थी तो वो उसके लिए फ़ोन करवाना पड़ता था, उस इंजेक्शन के लिए फ़ोन करना पड़ता था, तभी वो उनको नसीब होता था। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना को हमें नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान अन्न कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को घर बैठे मुफ्त राशन देने का काम किया था, तो ये कोरोना के अंदर प्रधानमंत्री जी ने किया था। तो इस पर हम राजनीति नहीं करें। थाली और ताली और मोबाइल की लाइट की जब बात आती है, तो मैं मानती हूँ कि इससे कोरोना तो ठीक नहीं होता, लेकिन उस वक्त एक सामूहिकता की ज़रूरत थी, एक जीवंतता की ज़रूरत थी, क्योंकि उस वक्त मानवीय अवसाद एक बहुत बड़ी पीड़ा थी। और मैं मानती हूँ कि वो जो एक सामूहिकता का भाव आया, हम सब कहीं ना कहीं उसमें जुड़े, चाहे किसी भी दल में थे, चाहे किसी भी क्षेत्र में थे। मैं बाड़मेर विधानसभा की बात करना चाहूँगी। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूँगी कि बाड़मेर जिला हिंदुस्तान का, अपने भारत का सबसे 5वें नंबर का सबसे बड़ा जिला है और उसकी जनसंख्या, उसका जो क्षेत्र है 28,387 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ जो जिला अस्पताल है वो 1100 बेड का है, जिसमें सभी 500 बेड संचालित है और शीघ्र ही 600 बेड का जो आगे आने वाले उसका शुरुआत होना प्रस्तावित है। लेकिन हमारा जो बाड़मेर जिला का हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल कम है और रेफरल हॉस्पिटल ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ ना तो सीटी स्कैन की मशीन प्रॉपर तरीके से काम करती है, क्योंकि वो पीपीपी मोड में दी गई है। सोनोग्राफी की मशीन है, डेली 500 सोनोग्राफी लिखी जाती है, होती 200 है, 300 को वेटिंग में रखा जाता है, 2-2 महीने की वेटिंग वहाँ पर है। कैथ लैब की अगर बात बताऊँ तो कैथ लैब में 2022-23 में पिछली सरकार में घोषणा की थी और उसमें प्रावधान भी किया था, लेकिन कोई टेंडर नहीं हुआ और इसलिए आज दिन तक कोई कैथ लैब नहीं आई, जबकि इस वक्त सबसे ज़्यादा हार्ट के पेशेंट हैं। एक कार्डियोलॉजिस्ट है जो 18 महीने से वहाँ है, 2500 लोगों को अभी तक भर्ती किया गया है, जिसमें से 80% लोगों को एंजियोग्राफी की ज़रूरत थी, लेकिन उनको भी रेफर करने की आवश्यकता पड़ रही है क्योंकि कैथ लैब नहीं है। जितने भी राज्य में इसके मेडिकल कॉलेज है, उसमें सिर्फ एक बाड़मेर मेडिकल कॉलेज ही है जिसमें कैथ लैब की सुविधा नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से ये आग्रह करना चाहूँगी कि बाड़मेर जिला अस्पताल पर एक कैथ लैब की आवश्यकता है, एक एमआरआई मशीन की सख्त आवश्यकता है। वहाँ का पानी बहुत भारी है, हार्ड वाटर है, फ्लोरोसिस की समस्या वहाँ बहुत ज़्यादा है, वहाँ सबसे ज़्यादा समस्या कैंसर की है और हार्ट की है। तो मैं चाहती हूँ कि बाड़मेर जिला हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी का विभाग भी शुरू किया जाए और ऑन्कोलॉजी का विभाग भी शुरू किया जाए, ताकि वहाँ के लोगों को इलाज के लिए गुजरात नहीं जाना पड़े, जोधपुर एम्स में नहीं जाना पड़े। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूँगी कि जो सफाई की व्यवस्था है वो हर सरकारी हॉस्पिटल में ख़राब है, लेकिन उसके मॉनिटरिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए एक अलग व्यक्ति की, चाहे हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोई व्यक्ति हो, उसको हायर करके उसको जिम्मेदारी देनी चाहिए, ताकि वो सारी व्यवस्था का ख्याल रख सके। बाड़मेर के अंदर करीब 30 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन मेरी जानकारी में ये आया है कि बायोमेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल की कोई भी वहाँ सुविधा नहीं है, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और मैं जो अपनी एक मांग है वो भी बताना चाहूँगी कि
उप स्वास्थ्य केंद्र नया जो है खोलने की जरूरत है, अंडे का तला, जानियों की ढाणी और हरूपणी खतों की ढाणी, और दो पीएससी से उनको सीएचसी में क्रमोन्नत करवाने की मांग करती हूँ, सनावड़ा और बेरी वाला तला को, और राजकीय नर्सिंग कॉलेज जो बाड़मेर में है उसमें पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग डिग्री कोर्स की 20 सीटों की स्वीकृति प्रदान करने की आप मैं मांग करती हूँ, ताकि वहाँ पर जो नर्सिंग कर्मी है उनको बाहर नहीं जाना पड़े, वहीं ट्रेनिंग लेकर वो वहाँ के ग्रामीणों को राहत दे सके। धन्यवाद। आपने मुझे मांग संख्या 27 और 28 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।